मर्चुरी पर बीएससी क्लासेस है, नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 6। क्वेश्चन है 6 इक्वल रोड्स ऑफ वेट डब्ल्यू आर प्लेस्ड इन द फॉर्म रेगुलर हेक्सागन। 6 इक्वल रोड से बना है एक रेगुलर हेक्सागन। ईच ऑफ वेट डब्ल्यू है, द अपर रोड इज बीइंग फिक्स्ड, ऊपर वाली रोड फिक्स्ड है, ये वाली जो रोड है ये फिक्स्ड है, ठीक है, अपर रोड इज फिक्स्ड। द मिडिल पॉइंट ऑफ द हैंगिंग रोड्स आर टाइट विद ए स्ट्रिंग। जो हैंगिंग रोड का, दो हैंगिंग रोड का मिडिल पॉइंट जो है टाइट विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, स्ट्रिंग यानी कि धागा होता है, इनमें टेंशन टी है। एक को टी वन मान लो, एक में टी टू, ठीक है। सो दैट ईच ऑफ द टेंशन 3 टाइम्स द वेट ऑफ रोड, वेट ऑफ वन रोड, यानी कि एक रोड के वेट का 3 गुना टेंशन होगी, प्रत्येक टेंशन यानी कि सो करना टी वन इक्वल टू 3W एंड टी टू इक्वल टू 3W में सो करना। ए बी सी डी ई एफ, इसका जो सेंटर है वो सेंटर पे टोटल वेट 6W काम कर रहा होगा। ईच ऑफ वेट का रोड वेट का जो ईच ऑफ रोड का वेट W माने हैं, तो 6 वेट 6 रोड है, सेंटर पे 6W फिट काम करेगा। सेंटर को जी कह देंगे, सेंट्रल ग्रेविटी जी कह दीजिएगा, ये पॉइंट के कह दो, ठीक, ये पॉइंट मान लो एम डैश, एल डैश, एम मान लो, एल मान लो। लैंग्वेज की पॉइंट थोड़ा सा, लेट ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, प्रत्येक साइड उसकी ए है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू ए, ठीक है। ईच ऑफ वेट, ईच ऑफ रोड वेट इज डब्ल्यू एंड टोटल वेट सिक्स डब्ल्यू एट पॉइंट जी, पॉइंट जी पे टोटल वेट काम कर रहा। ये तो होगी लैंग्वेज। अपर रोड इज फिक्स्ड, ए बी इज फिक्स्ड, ए बी फिक्स्ड है, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, है ना। के जी इक्वल टू सपोज एक्स माना, एम एल बी एक्स होगा और एम डैश एल डैश भी एक्स होगा, ये डिस्टेंस लगभग लगभग आपस में बराबर बराबर होंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, डिस्टेंस आपस में इक्वल हुआ करती है, ठीक है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जहाँ से पेट लटक रहा है वहाँ तक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ली जाती है। नीचे की ओर लटक रहा है 6W × 10 kg, फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर वेट काम कर रहा है तो प्लस में रहेगा, 6W × 10 kg होगा, और टेंशन में माइनस में होता है, T1 × 10 m′ एंड T2 × 10 m l = 0, 6W × 10 x है और T1 × 10, ये भी डिस्टेंस बराबर ही था, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 6W × x, T1 × x, T2 × x इक्वल टू 0, यानी 6W − T1 − T2 × x इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स कॉमन निकाल देंगे, यानी कि डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, 6W = T1 + T2, क्वेश्चन वन फर्स्ट। ये इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, यहाँ पे मोमेंट लेनी है, एक मोमेंट अबाउट पॉइंट जी, घूम लेंगे
moment about points G. So यहाँ हमने अगर T1 into D equal to T2 into, तो उस condition में T1 equal to होगा T2, equation number 2. First में value draw करते हैं, equation number first में value draw करेंगे, ये था हमारा T1 plus T2 equal to 6W. तो T1 plus T2 की value भी T1 है equal to 6W. 2T1 equal to 6W, T1 equal to 3W. जो कि T1 equal to T2 है, T1 equal to T2 equal to 3W. यही हमको प्रूफ करना था, यानी उनका जो वेट का जो रोड का जो बिट है वो आपस में एक दूसरे के थ्राइस है, यानी कि तीन.